Now I will start the first question of today's lecture. So the first question is, पहला question है, अधिगम से क्या संबंधित है? Okay? So इसके options हैं, options are सार्वभौमिक, निरंतर, दूसरा option है, तीसरा option है अनुकूलन और चौथा option है उपरोक्त सभी. तो अधिगम से इन तीन words जो यहाँ पर दिए गए हैं basically, और उनमें से बताना है कौन सा connected है, मतलब कौन सा जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पर जो तीनों ही वर्ड है, सार्वभौमिक होना, निरंतर होना और अनुकूलन, ये तीनों ही वर्ड अधिगम से बिल्कुल कनेक्टेड हैं. तीनों ही शब्द अधिगम से कहीं ना कहीं संबंधित हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी. तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एमसीक्यू बेसिकली. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ आई विल प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन. दूसरा प्रश्न लेते हैं, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख तत्व कौन से हैं? कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बात की गई है. ऑप्शन दिए गए हैं, ए शक्ति, दूसरा है अवरोध, तीसरी ऑप्शन दिया गया है अभिप्रेरणा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है जीवन विस्तार. तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्या क्या आता है, इन चारों में से आपको बताना है. ऑप्शन दिए गए हैं आपको नीचे. पहला ऑप्शन दिया गया है ए बी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, यानी कि चारों ही सही है. तीसरा दिया गया है ए और सी सही है, और चौथा ऑप्शन बी और डी दिया गया है. तो इन चारों में से आपको क्लैरिफाई करना है कि क्या होगा राइट आंसर. ओके, सो इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए बी सी डी, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर. बिकॉज यहाँ पर जो ऊपर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, शक्ति, अवरोध, अभिप्रेरणा और जीवन विस्तार, वो सभी कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का हिस्सा हैं. तो ये सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है, क्रिया प्रसूत अनुबंध के का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं चार मनोवैज्ञानिकों के. पहला है स्किनर, दूसरा है कॉलर, तीसरा है पावलोव और चौथा है टेलर. तो अगर इन चारों ऑप्शनों में से हम बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया गया था स्किनर के द्वारा. ए इज द राइट आंसर. इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है. नाम यहाँ पर जरूर आप याद कर लीजिएगा, अलग अलग सिद्धांतों के दो या तीन नाम जो होते हैं, क्योंकि किसी भी नाम से जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकें बेसिकली. ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इस बात को ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट एमसीक्यू आज का देखते हैं, व्यवहारवादी सहचर सिद्धांत के अंतर्गत किस किस सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत आते हैं बेसिकली ये बोला गया है. किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए सिद्धांत बेसिकली मैं आपको बता दूं, व्यवहारवादी सहचर सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ये हमको यहाँ बताना है आपको. तो ये नाम दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के, तो आपको ये बताना है कि क्या थॉर्नडाइक का सिद्धांत आता है, या वॉटसन का आता है, या पावलोव का आता है, या उपरोक्त जो सभी दिए गए हैं वो सभी आते हैं व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत. तो आंसर आपको इसका बताना है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही हैं थॉर्नडाइक, वॉटसन और पावलोव, ये सभी जो हैं कहीं ना कहीं व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के समर्थक हैं. उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत की ही श्रेणी में आते हैं. ओके, तो ये फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस फोर्थ नंबर एमसीक्यू. डी इज द राइट आंसर. अगले प्रश्न को देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न जो आपके सामने है, पावलोव द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को किन किन नामों से जाना जाता है? तो पावलोव ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनके नाम बताने हैं. एक्स्ट्रा नाम इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि याद जरूर कीजिएगा और उससे आपको आइडेंटिफिकेशन होता है. तो पावलोव द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है? अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या फिर शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ए और बी दोनों ही उसके नाम हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, अनुबंध, अनुबंधित क्रिया, अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ये एक ही नाम है पावलोव द्वारा दिए गए सिद्धांत के. तो ये दोनों ही सही हैं. तो सी इज द राइट आंसर फॉर फिफ्थ नंबर एमसीक्यू. ओके, पांचवे एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया है. अगले चलते हैं छठवें एमसीक्यू की तरफ. ये सारे एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि ना केवल अभी आप प्रैक्टिस कीजिए बल्कि जब एग्जाम टाइम हो तो आप रिपीटेड तौर पर इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो देखिएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा इन द एग्जामिनेशन. ओके, क्योंकि ये बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं और एनालाइज करके इनको तैयार किया गया है. तो इट विल प्रोवाइड यू मच ग्रेट बेनिफिट बेसिकली. सो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स क्वेश्चन. तो
सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसने कहा था? तो सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये वाक्य किसने कहा था, यह हमको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, क्रो एंड क्रो ने कहा था, स्किनर ने कहा था, और या फिर मॉस्लो ने कहा था, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था। तो इस बात को, सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह बात कही थी स्किनर ने। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो आगे चलते हैं, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। व्यवहार के अर्जन में, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक आंसर आपको गलत कर दिया है, इसको मैं चेंज करना चाहूँगा। यहाँ आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, सीखना आदतों पर और ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये जो है वो क्रो एंड क्रो ने कहा था। ओके, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर, आई वॉज अ लिटिल बिट कन्फ्यूज अबाउट दिस। सो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्रो एंड क्रो है, सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। छठवें प्रश्न का आंसर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर पहले स्किनर कहा था मैंने, लेकिन क्रो एंड क्रो इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है ले लेते हैं, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, गिलफोर्ड का, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये जो कथन कहा था, ये कहा था स्किनर ने। दैट्स व्हाई आई वाज कंफ्यूज, आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दिस। सो नाउ आई एम क्लियर आफ्टर रीडिंग दिस। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर सेवंथ नंबर एमसीक्यू, स्किनर। ओके, सो एट्थ नंबर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा देने वाला घटक नहीं है? ओके, सो प्रेरणा देने वाला घटक उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तेजना, आकांक्षा, दंड और आक्रामकता। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, वो होगा डी, आक्रामकता। जो है वो कहीं से कहीं तक भी इंस्पिरेशन देने वाला फैक्टर नहीं है, ना हो सकता है। अगला है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन से आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? तो आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत थ्योरी है, जो अगर उसकी हायरार्की आपको पता होगी तो आप जरूर आंसर कर पाएंगे, इसका सोच पाएंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं, सम्मान, दूसरा है आत्मसिद्धि, तीसरा है सुरक्षा, और चौथा है सामाजिकता। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो रहा है, वो होगा यहाँ पर आत्मसिद्धि, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि नाइन्थ नंबर के एमसीक्यू के अनुसार, आवश्यकता पदानुक्रम के क्रम के अनुसार, बी होगा इसका सही आंसर। ओके, नाउ आई विल प्रोसीड टू द टेंथ नंबर एमसीक्यू, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? ओके, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में का ही ये क्वेश्चन है, और इनमें से आपको बताना है क्या शामिल नहीं होता है। तो मौलिक आवश्यकता शामिल नहीं होती है, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान, या उपरोक्त सभी। ओके, ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि इन, यहाँ पर एक चेंज मैं यहाँ पर करवाना चाहूँगा आपसे, कि ये इस प्रश्न को थोड़ा चेंज कीजिएगा, आवश्यकता के अनुसार पदानुक्रम सिद्धांत में यहाँ पर क्या क्या शामिल होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने थोड़ा चेंज करा दिया है इसको, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में क्या शामिल है? तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं शामिल है, मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा यहाँ नहीं जो प्रिंट हुआ है वो, इट वॉज नॉट करेक्ट। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रश्न होना चाहिए, आवश्यकता के पदानुकरण सिद्धांत में क्या क्या शामिल है। ओके, तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो शामिल होते हैं। तो डायरेक्टली मैंने इसको बता दिया है, नो प्रॉब्लम, आप इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या शामिल है। ओके,